हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुनो सरकार, 8 साल संघर्ष करते हुए हो गए, अब तो दे दो सरकारी नौकरी। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन व कलेक्टर से मिलकर पत्र सौंपा। बायतू देर रात पहुंचकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मिलकर 2013 भर्ती के अवगत कराया। साथ गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी से मिलकर अवगत करवाया। नरसिंह लगातार मुख्यमंत्री व जिले राजस्व मंत्री व अन्य विधायक से मिलते आश्वासन मिल रहा कब होगी भर्ती। 8 साल पहले 2018 में नर्सिंग करने के बाद बेरोजगार लड़कियां लगातार सरकारी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बाड़मेर से लेकर जयपुर तक ANM GNM नर्सिंग भर्ती 2013 को लेकर लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से प्रशासन के अधिकारियों से लेकर सरकार के विधायक मेवाराम जैन के पास नर्सिंग भर्ती में 2013 की नई भर्तियों को प्राथमिकता देने के लिए अपनी गुहार लगाई। आम तौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब बेरोजगार लड़कियां लगातार अपने हक के लिए सड़कों पर नजर आए, लेकिन बाड़मेर जिले 2013 की नर्सिंग भर्ती से वंचित रही लड़कियां लगातार अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। इनका आरोप है कि यही गहलोत सरकार थी जिन्होंने भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी तक ना तो संविदा पर रखा जा रहा है ना ही पेमेंट किया जा रहा है। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इस सरकार में कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वंचित अभ्यर्थियों ने बताया कि बाड़मेर में ANM के 200 पद निकाले हैं और फॉर्म 2000 से ऊपर भरे, और हम 8 साल से वंचित नर्सिंग भर्ती 2013 की लड़कियां बेरोज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और हमने कुछ महीने पहले 22 गोदाम जयपुर में 11 दिन आम अनशन किया, तो रात को 2 बजे सरकार के दो मंत्री सुभाष और राजेंद्र यादव ने लिखित में दिया था कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपका हल निकाल दिया जाएगा। 2 बार कमेटी बन, दोनों कमेटियों का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। यदि सरकार हमारी मांग 30 जून तक मानती है तो हम 1 जुलाई को हर जिला मुख्यालय घेराव करेंगे। जब सरकार LTC 2013 भर्ती पूरी करती है तो नर्सिंग 2013 क्यों नहीं कर रही है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013 में चिकित्सा विभाग में नर्स ग्रेड द्वितीय के 15,773 और ANM के 12,278 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया था, लेकिन उसके बाद सत्ता परिवर्तन होने के बाद भाजपा की सरकार बन गई थी, जिस पर भाजपा ने इस भर्ती प्रक्रिया को संदेहस्त वित्तीय स्वीकृति का हवाला देते हुए नर्स ग्रेड द्वितीय के 4,514 और ANM के 6,719 पदों की कटौती कर शेष पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी। ऐसे में इस भर्ती से वंचित रहे अभ्यर्थी पिछले 8 वर्षों से सरकार से भर्ती को पूर्ण करवाने की मांग कर रहे हैं। नर्सिंग कमला गोदारा, टीना भगवती, प्रेमी भवरी, प्रीति किरण, शारदा, कमला, धनी, चूकी, भवरी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कमला चौधरी नर्सिंग 2013 भर्ती इन्होंने ये कहा। ये सर्टिफिकेट 2013 वाले ये क्यों नहीं चाहते, कभी समीजा पे निकाल देते। कोविड सहायक में 25,000 ANM GNM VA थे तो उसमें हमारे तो बहुत पद कम, हम 11,233 पद हैं, इतने नहीं बचे हैं 2500 ANM में और 3,3500 GNM में, 8-9,000 पद है। 25,000 का ये दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते। हमें ये मुख्यमंत्री से आपके सनद के द्वारा अवगत करवाना चाहते हैं कि ANM और GNM 2013 भर्ती पे कुछ संज्ञान लें। आप पिछले लंबे समय से जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं करेंगे, कोई रास्ता निकाल रहे हैं। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं, हमें उनकी गोली दे के शांत कर देते हैं। पर अब हम ये कह रहे हैं कि 1-2 तारीख तक हम शांत, हर जिले में और राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हम घेराव करेंगे और बाद में जयपुर जाके धरना दोबारा देंगे, क्योंकि हमारा हक हमें नहीं मिले तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। हम बहुत दुखी है, क्योंकि जब 250 पदों से क्या होगा, 250 पद है और 2500 फॉर्म भरे, इसमें 2013 तो कुछ आएगी भी, एक भी जान नहीं आएगी। और ये जोरी लड़कियाँ ये बोल रहे हैं कि हम तो हमारे जिला स्तर पर कर रहे हैं, तो जिला स्तर पर करो ना, कम से कम 1500 पोस्ट निकालो, उसमें 2013 वालों को प्राथमिकता दे दो। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की।